उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुरुवार शाम 4 बजे के करीब टाइगर कुमार ने अचानक चैनलिंग फेसिंग को तोड़कर दामिनी टाइगर के एनक्लोजर के डिस्प्ले एरिया में प्रवेश किया एवं टाइगर दामिनी से झगड़ा करने लगा। उपस्थित केयरटेकर ने ऐसा देखते ही जोर जोर से हो हल्ला कर दोनों को अलग करने का बहुत प्रयास किया, परंतु टाइगर कुमार द्वारा मादा टाइगर दामिनी को बुरी तरह घायल कर दिया गया एवं दामिनी का गला दबाए रखा, जिससे दम घुटने से मादा टाइगर दामिनी की मौत हो गई। टाइगर कुमार को होल्डिंग एरिया में काफी प्रयास के बाद शाम 6:05 पर लिया गया। कुमार टाइगर की उम्र 12 वर्ष 6 माह है, जिसको वर्ष 2017 में पिल्लीकुआ जू कर्नाटक से लाया गया था एवं मादा टाइगर दामिनी को वर्ष 2015 में राजीव गांधी जू पुणे से लाया गया था। मृत मादा टाइगर दामिनी की उम्र 15 वर्ष थी। यह पूरी जानकारी उप वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर ने देर शाम प्रेस नोट जारी करके दी है। अब यहां सवाल यह खड़ा होता है कि यदि टाइगर अपना एनक्लोजर तोड़कर दूसरे टाइगर के एनक्लोजर में जा सकता है, तो वह कभी भी एनक्लोजर तोड़कर यहां आने वाले पर्यटकों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ में जहां दामिनी एक एनक्लोजर में थी और दूसरे उसके पास वाले एनक्लोजर में कुमार जो मेल है और दामिनी फीमेल है, हर दिन की तरह इनको दोनों को रोज डिस्प्ले में रखा ही जाता था। आज शाम को 4 करीब अचानक ही कुमार को न जाने क्या सूझा था, उसने एक साइड से जाली तोड़कर, दोनों के बीच में जो जाली होती है उसको तोड़कर, और वो दामिनी के उसमें इनक्लोजर में घुसा और उससे पहले लड़ाई करने लगा और तुरंत उसका गला दबाया उसने, और गला दबाते ही उसकी डेथ हो गई। बीच में स्टाफ वहाँ था, केयर टेकर था, तो उन्होंने होल्ला भी किया वहाँ पे, होल्ला करके उसको छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो तब तक तो उसने गला दबाए रखा उसको और उसकी डेथ हो गई उसकी। जाली देखने से भी आप लोगों ने देखा भी है वहाँ पे, वो प्रहार से टूटी है। उसने पहले जोर से वहाँ दबाव बनाया और फिर उसने जैसे ही थोड़ी सी कहीं किनारे पे वो अगर थोड़ी खुली हो गई तो वहाँ से फिर उसने खींचा है। जी बिल्कुल। कमजोर नहीं है क्योंकि टाइगर आज का नहीं है, टाइगर तो कई 4-5 से यहाँ रहता है, लेकिन ये कैसे हुआ अब हम कल इसके जितने भी कार्निवोर्स जो टाइगर है, लॉयन है, उनके इनक्लोजर्स को हम एक बार पूरे चेक करवाएंगे और पुनः इसके आगे क्या करना है वो पता करेंगे उसका। सर कोई बात को लेके कुछ नियमित बिल्कुल हमारे केयर टेकर जाँच करते हैं इसको हर मंगलवार। कुमार शुरू से थोड़ा एग्रेसिव तो था ही, एग्रेसिव के कारण ही इनको और दामिनी को साथ में कभी रखा नहीं। बीच में एक दो बार उन्होंने जब जाली के पास में आते हैं तो उसको उसने पंजा मार के उसको घायल करने की कोशिश की थी, इसी के लिए जब एग्रेसिवनेस को देखते हुए कभी इनको साथ में रखा नहीं, ये हमने प्रिकॉशन पहले लिया था। कुमार भी घायल हुआ है क्या? थोड़ा बहुत तो रहता ही है, जब लड़ाई होती है तो थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है।